हेलो फ्रेंड्स, आईडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं टेक्नीशियंस बोरिंग। ये जून 2019 में ये फॉर्म आया हुआ था। जिन स्टूडेंट ने ये फॉर्म भरा है वो जो एग्जाम्स है टेक्नीशियंस बोरिंग का अगले महीना जुलाई 2022 के डेट में होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आ चुका है। अगर आपने फॉर्म में अपना नंबर सही भरा होगा तो आपके पास मैसेज आ चुका होगा। वहां आप जाके किसी दुकान से उस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आपके मैसेज में जो भी नंबर आपने दिए होंगे फॉर्म में, उस नंबर पर एक मैसेज आया होगा। मैसेज में क्या लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, रोल नंबर और सेंटर का नाम दिया हुआ है। तो आप जाके इस वेबसाइट में, जैसे वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से निकल के आ गया। अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो यहाँ पर देखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपका यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना होगा। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना होगा, मंथ ईयर, और यहाँ पर आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसके बाद कैप्चर है, इंटरव्यू वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको वो नंबर, ये जो नंबर है ये डालने के बाद आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको तो आपका फाइल ओपन होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं कि डाउनलोड आपको करना है। तो ये टेक्नीशियंस बोरिंग का एडमिट कार्ड है, डाउनलोड एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पर आप जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर भी आ गया होगा मैसेज। अगर जिन लोगों को नहीं आया है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लें, कहीं से भी जो जहाँ भी फाइल में रखे हैं वो अपना निकाल लें। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा टेक्नीशियन बोरिंग का। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, डबल प्ले सब्सक्राइब करें। इसी तरह ऑडियो अपडेट देता रहूँ।